नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। आज विश्व युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उनका आज जन्मदिन है। आज बात करेंगे कि क्यों हमारी पढ़ाई में बाधाएं आती हैं और आखिर क्यों हमारा पढ़ाई जो है या हमारे सब्जेक्ट हमारे काम नहीं आते। जिस लाइन में पढ़ने की हमारी इच्छा होती है वो हमें मिल नहीं पाती। और साथ ही जानेंगे परवरिश टिप्स, दिन का शुभ शुभ समय, जन्मदिन, आज का राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बनाता है। और ये सब हमें कौन बताता है? राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, आज आपके गुरु जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप क्या खास बताएंगे हमारे दर्शकों को, खास तौर पे स्वामी विवेकानंद जी को लेकर। जी, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। और कोई व्यक्ति अपने गुरु का नाम लेता है तो एक भावुकता उसको ओढ़ लेती है, लेकिन मुझे फख्र है कि उनके नाम पर पूरे विश्व में युवा दिवस मनाया जाता है। वह हर युवा के आदर्श होने चाहिए और हर भारतीय को उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया और कैसे उन संघर्षों में वो ऊँचे उच्च कोटि के विद्यार्थी के रूप में सामने आए और किस प्रकार से बहुत कम उम्र में उनके अंदर वह जागृति उत्पन्न हुई और सभी प्रकार के अध्ययन करते हुए उन्होंने किस प्रकार जगत को एक नई दिशा दी। ये हम सब लोगों के लिए, खासतौर से उन विद्यार्थी, उन युवाओं के लिए यह सीखने योग्य है जो जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के विषय से। गुरु जी, पढ़ाई में बाधाएं किन की आती हैं? इसको हाथ पर जानते हैं। जिनका सूर्य कमजोर होता है या जिनका बुध ठीक नहीं होता है, उनकी पढ़ाई में जरूर बाधाएं आती हैं। दो तीन चीजें देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, वह बच्चे बहुत ध्यान से देखें। और ये बाधाओं का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बाधाएं अवश्य आती हैं। आप वन गो में या अच्छे किस्म की या जैसे आप हैं उस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन एग्जाम्स में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। कहीं कहीं तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पढ़ाई छूट भी जाती है। खैर, अनेक किस्म की बाधाएं आती हैं पढ़ाई में। और यदि यहाँ पर इस प्रकार से है या ये क्रॉस यहाँ बना हुआ है या यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं, ये अगर ये रेखा किसी के भी हाथ में है तो ये तय बात है कि उसकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ बाधा आती रहेगी और उसको हर डिग्री के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और जितने मार्क्स वह विद्यार्थी डिजर्व करता है उतने मार्क्स उस विद्यार्थी को नहीं मिल पाएंगे। कुछ भी कारण बने, बाधाएं आएंगी। यद्यपि इसका निवारण किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विद्यार्थी भी इसे देखें और समझें। और साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी आपके घर परिवार में कोई विद्यार्थी होगा जरूर जिससे आपको बहुत स्नेह होगा, जिसकी आपको चिंता होगी, उसके लिए मेरी आज की बात जरूर सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इस तरीके से अगर ये लाइन है तो विद्यार्थी की ऊर्जा बट जाती है और वह बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई नहीं कर पाता। दूसरी चीज है कि यहाँ पर कई सारी इस प्रकार से रेखाएं आ जाएं या ऐसे करके एक जाल सा बन जाए यहाँ पर, तो अच्छे खासे विद्यार्थी की भी, यानी सोचिए जो जिसको हम ब्रिलियंट कहेंगे, मेधावी कहेंगे, उस विद्यार्थी से भी कभी कभी पढ़ाई जारी नहीं रह पाती, छूट जाती है। तो ये और ये दो स्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसमें पढ़ाई में बाधाएं आती ही आती हैं। तो आपने भी अपनी रेखाएं ध्यान से देखी होंगी कि आपकी भी पढ़ाई में बाधाएं आ रही है, तो चिंता मत कीजिए, गुरुजी आगे भी हमें खूब सारे उपाय बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पहली चार राशियों का हम राशिफल जानेंगे। गुरुजी, उनका दिन कैसा होगा? मेष राशि, क्रोध से बचना होगा अन्यथा आपको कोई समस्या हो सकती है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, अपनी सिर आंख का ख्याल रखिएगा और अपने पैसों का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान जरूर करना है। वृषभ राशि, आपके लिए दिन ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा,
कुछ अच्छा सा महसूस करेंगे, आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसलिए लगातार अपना कार्य करते रहिएगा, कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, विजय होगी। एक छोटी सी सावधानी, अपनी हेल्थ की जरूर रखिएगा, पेट और पैर इस दिन प्रभावित हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, आप चावल का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, बाकी अपने इष्ट को प्रणाम करके शांत भाव से काम पर जुटिए, दिन अच्छा है। मिथुन राशि, आपके लिए समय अच्छा है, यद्यपि हर कार्य के लिए आज आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सफलता के रास्ते बंद नहीं है, खुल रहे हैं। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रख के चलने की जरूरत है और धैर्य रखें, आलस से रहें दूर। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप पीला पुष्प अपने इष्ट के चरणों में रख कर उनको प्रणाम करके थोड़ी देर उनका ध्यान करके फिर अपने काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, क्रोध से बचना होगा, भाग्य पक्ष आज आपको अब मदद करेगा, लेकिन दोपहर के बाद आपके काम बन पाएंगे, बाकी कुल मिला के समय ठीक है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें, आप अपने भाग्य संबंधी बड़े निर्णय इस दिन बिना सलाह के मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। गुरु जी, ये कैसे पता लगेगा कि हम अपनी इच्छा की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मनमाफिक सब्जेक्ट्स हो या जिस भी डिग्री में या लाइन में हम जाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाएगी? ये जो हमारी हथेली है ना, इसे मैं कहता हूँ ये हमारी लोकल पैथोलॉजी है। अच्छा। जो हर वक्त हमारे साथ चलती है, इसमें हमारा दिमाग भी है, हमारे अच्छी बातें भी हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, और साथ साथ इसमें हमारा भाग्य भी है। तो चलिए इसी से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जी हाँ, बहुत सारे हाथों में ये समस्या होती है कि वह जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ और उनको करना पड़ता है। हाथ में कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि यहाँ पर एक सीधी रेखा इस तरीके से डाइवर्ट अगर हो रही है, ये ऐसे करके यहाँ या यहाँ से यहाँ ऐसे ये बट जाती है, तो कोई भी विद्यार्थी बहुत मेधावी होते हुए भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बनती हैं कि जो स्ट्रीम वो पसंद करता है या जो पढ़ाई विशेष वो करना या कोर्स विशेष वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, डिविएशन हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर रेखा है तो कुछ उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे, नहीं तो मन की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मन का कोर्स या ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। आज हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई हर एक जो बिंदु है, हर एक पहलू की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन भी एक बहुत अहम पहलू है स्टूडेंट लाइफ का। अब बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पिछले वर्ष के छूटे हुए कार्य इस समय में आगे बढ़ सकते हैं। अंतर्ज्ञान, अंतर प्रज्ञा, एकाग्रता, इन सब की स्थिति आपकी मजबूत होगी। जून से लेकर अगस्त तक और उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक अपने जीवन संबंधी कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे। नए मित्र भी जुड़ेंगे, लेकिन कुछ पुराने मित्र छूट भी सकते हैं। इमोशनली यह समय थोड़ा सा कमजोर करेगा, आप किसी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता कर सकते हैं और घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की वजह से कुछ परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के समय अच्छा है। यात्रा होगी, बड़ी दूर दराज की कहीं की यात्राएं भी संभव हैं। तो कुल मिला के इस समय में अपने आप को संगठित कीजिए और सावधानी रखिए स्वास्थ्य की, क्योंकि उसकी वजह से आपके कार्य रुक सकते हैं, आलस्य से पीछा छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए, जो भी पूजा प्रार्थना आप करते हैं वह नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिएगा, अपने आप बाधाएं समाप्त होंगी और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, शत्रु बाधा समाप्त होगी, उसके बाद आर्थिक बाधाएं समाप्त होंगी। तो मई जून से जो समय आपका है वो प्रखर हो और बहुत प्रखर हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अभी से आप जो भी पूजा करते हैं वह नियमित रूप से पूजा करा करें और
रोजाना कुत्तों की सेवा किया करें। ऑल द बेस्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए गुरुजी हमें रुकना होगा, आगे हम क्या जानेंगे? यही पढ़ाई के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसमें हमारी पढ़ाई रुक जाती है, तो उस समय पर क्या किया जाए और क्या हमको ये पहले से पता चल सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ाई के विषय में बात कर रहे हैं। गुरुजी, कई बार किसी के जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है कि विद्या अर्जन में बाधाएं आती हैं, पढ़ाई करने में बाधाएं आती हैं, पढ़ाई रुक जाती है, तो ऐसे में क्या करें, क्या उपाय होने चाहिए? जी हाँ, नोट कीजिए, एक उपाय ऐसा है जिससे आसानी से विद्या अर्जन में बाधाएं नहीं आएंगी, गाय गुरु मंदिर की सेवा करना। यदि आपके आध्यात्मिक गुरु हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो शिक्षक, तो गाय शिक्षक और मंदिर की सेवा करना। जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, जिस चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये सेवा करते हैं तो आपके मार्ग से शिक्षा में आने वाली जो परेशानियां हैं वो धीरे 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 दूर होती चली जाएंगी। आप लिख के रख लीजिए, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपके अपने दिमाग के चलते शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं तो तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में बांधकर बुधवार को, जो शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, उसे अपने गले में धारण कर लीजिएगा। तीसरा उपाय, सूर्य के सामने बैठिए, गायत्री का यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। यज्ञ रोजाना नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं। सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर ये कार्य करना है। आप देखिएगा, शिक्षा में जो अगर बुद्धि कमजोर होने की वजह से बाधा आ रही है वो दूर होगी, कन्फ्यूजन की वजह से बाधाएं आ रही है वो दूर होंगी, परिस्थितियों की वजह से बाधाएं आ रही है वो भी दूर होंगी। तो उम्मीद है ये सभी उपाय आप ध्यान से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, खुद भी आप करें और जिसे दिक्कत है उसको भी आप जरूर बताएं। और अब बात आज की परवरिश टिप की। गुरु जी, आज की परवरिश टिप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, जो अगर किसी के पास है तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सुनिए ध्यान से, चूंकि बात गुरुदेव की आज हो रही है, आज उनका अंग्रेजी तिथि के अनुसार जन्मदिन होता है, उनकी जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक थी, यूं तो उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उससे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। विद्यार्थियों को उनसे एकाग्रता का सूत्र सीखना चाहिए। वो जब पढ़ते हैं या जब वो ध्यान करते हैं तो उनके शरीर पर मच्छर भी अपना एक तरीके से जाला बुनते हैं, उनको पता नहीं चलता। ऐसी एकाग्रता यदि आपके अंदर है तब आप विद्वान बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, नहीं तो पढ़ने को इतना कुछ है और आप तेजी से पढ़ने के आदि नहीं है तो आप ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे जीवन में। तो बच्चों को एकाग्रता सिखाइए, जब वो पढ़े उंगली रख कर पढ़े, थोड़ा सा शुरू शुरू में बोलकर पढ़े और जो पढ़ते जाएं वो लिखते जाएं, तो उससे उनका मन एकदम एकाग्र होगा। और जब बच्चे पढ़े तो उनके इर्द गिर्द मोबाइल टेलीविजन ये हटा दीजिएगा, दूर दूर तक ये नहीं होना चाहिए, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारी बीच की 4 राशियां हैं, उनका दिन कैसा होगा आज गुरु जी? सिंह राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है, दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स काम देंगे, आगे बढ़िए। सावधानी, रिश्ते और पेट ये दोनों डिस्टर्ब रहेंगे इस दिन, थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, मित्रों की मदद मिलेगी, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, माँ से कहीं कोई मतभेद ना हो। और दूसरी चीज, अपने वाहन का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप कच्ची सब्जी का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। यदि आपका धन कहीं रुका हुआ अटक गया है तो दोपहर के बाद किए गए प्रयासों से उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को कफ की या ठंड की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें विशेष रूप से। उपाय क्या करेंगे इस दिन को अच्छा करने के लिए, आप हल्दी का और चीनी का दान शुरू कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि,
समय आपके लिए अच्छा है, नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, इस दिन आपके चलते हुए काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, उस वक्त थोड़ा धैर्य रखिएगा और मेहनत से उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, दूध या दूध से बनी हुई चीज का दान जरूर करें। तो बस ये कुछ सावधानियां आप रखिए, उपाय करिए, दिन आपका अच्छा होगा। एक बार फिर से अपने विषय की तरफ हम लौट रहे हैं गुरु जी, आखिर इस पढ़ाई का लाभ हमें कैसे मिले? ऐसी भी स्थिति होती है कि हमने किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया या डिग्री ली है, आगे चल के हम किस स्ट्रीम में जाएंगे, कहां हमारा भविष्य बनेगा, कई बार वो काम नहीं आते सब्जेक्ट, तो आखिर इसका लाभ कैसे मिलेगा? हाँ, बहुत सारे लोगों को विद्या का लाभ नहीं मिल पाता। वो जो पढ़ाई करते हैं या वो जो सीखते हैं उससे वह धन अर्जन नहीं कर सकते, उससे उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, कोई पद विशेष प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय है, रोजाना आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें, सूर्य को जल देना शुरू कर दें और रविवार के दिन, ये जीवन पर्यंत करना होगा, रविवार के दिन नमक ना खाएं। इससे जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जिसमें समय और धन लगाया है, जिसमें उन्होंने अपना मन लगाया है, उससे यदि लाभ नहीं मिल रहा होगा तो शनि शनि प्रभु जी ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि उससे लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। वैसे तो गुरु जी बहुत सरल उपाय बताते हैं जो बहुत व्यवहारिक है, लेकिन अगर वक्त की भी कमी है तो कोई भी एक उपाय यदि आप कर ले तो आप देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो स्ट्रीम है, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और अब बात हमारी जो अंतिम चार राशियां हैं गुरु जी, उनका राशिफल क्या है आज दिन के लिए? धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, बाधाओं के बाद रास्ते जरूर खुल जाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष से आपकी भेंट हो सकती है जो लाभप्रद होगी, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन क्रोध से अपना मामला मत बिगाड़िएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाइएगा, थोड़ी देर अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा, फिर काम पर जुट जाइएगा। मकर राशि, समय कमजोर है, इसलिए धन को लेकर, शरीर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन अपने वाहन का ध्यान रखें और किसी को कोई कीमती चीज या महत्वपूर्ण कागज नहीं दीजिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम हनुमते नमः का जप कीजिए और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए। कुंभ राशि, समय आपके लिए अच्छा है, लाभ हो सकता है, किसी की मदद से आपके रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने लिखने को मिल सकता है या कुछ अच्छी बातें सुनने को भी मिल सकती हैं। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन अपने पेट का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सरसों के तेल का दान अवश्य कर दें। मीन राशि, गुस्सा आ सकता है, हो सकता है कि आप तर्क करते रह जाएं, कार्य ना करें, आलस्य में उलझ जाएं, कार्य ना करें, इससे आपका दिन प्रभावित होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाग्य पक्ष इस दिन प्रबल है, इसलिए इस दिन जितने एफर्ट्स आप करेंगे उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जिन लोगों को आंख और दांत की दिक्कत रहती है वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन लोगों को ठंड की शिकायत रहती है वो भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन कफ बढ़ सकता है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप कुछ तुलसी का अर्क जरूर ले लीजिएगा और गुनगुना पानी इस दिन पीजिएगा और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। तो दिन तो अच्छा बन गया क्योंकि उपाय भी आपने जान लिए, क्या नहीं करना है वो भी गुरु जी ने आपको बता दिया, लेकिन अब गुरु जी हमें बताएंगे वो विचार जो हम सबका दिन बनाएगा। गुरु जी आज का विचार सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, एक समय में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, एक समय में एक ही काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ, तरक्की जरूर होगी। जी हाँ, तो ये भी एकाग्रता से जुड़ा हुआ है, डेडिकेशन से जुड़ा हुआ है, उस काम के पीछे पड़ जाइए, मेहनत कीजिए, एक धुन होनी चाहिए तभी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो पुनः स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हैं, आप सबके दिन अच्छा हो ऐसी शुभकामनाएं करते हैं, विदा लेते हैं, राम राम, नमस्कार, पता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।